हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्माइल मॉम में। मैं हूँ प्रियंका। 6 महीने से छोटे बच्चों में अगर कब्ज़ की समस्या होती है, बच्चा ठीक से पॉटी नहीं करता है, 1 वीक हो गया फिर भी उसने पॉटी नहीं किया, पॉटी करते समय वो बहुत रोता है, बहुत ही हार्ड होता है उसका पॉटी, उसने दूध पीना बंद कर दिया है और उसका पेट फूला रहता है, कड़क हो गया है, तो ये सब लक्षण हैं कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसको कब्ज़ की समस्या है। तो जब भी बच्चे को कब्ज़ होता है तो पहले डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हम घर में कुछ उपाय करके देख सकते हैं जिससे बच्चे को राहत मिलेगी और वो जल्द से जल्द पॉटी कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं। 6 महीने से निचले बच्चों में जब भी अगर वो माँ का दूध पीता है तो बहुत बार उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, क्योंकि वो जनरली सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहता है, सिर्फ वो माँ का दूध पी रहा है। और जब भी उसको फर्स्ट टाइम सॉलिड फूड आप खिलाते हैं तो उसको आदत नहीं होती है डायरेक्टली, तो उसको कब्ज़ की समस्या जनरली हो जाती है। और अगर फॉर्मूला फीडिंग बेबी है तो भी फॉर्मूला चेंज करने से या फिर माँ के खाने में कुछ गलत चीज़ें आती है, जैसे वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड और ऐसे चीज़ें खा रही है तो भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो 6 महीने के से छोटा जो बच्चा होता है वो जनरली सिर्फ माँ के दूध पे होता है या फॉर्मूला फीडिंग होता है। तो ऐसे बच्चों में आप उसको डायरेक्टली कुछ फाइबर वाले फूड खिला नहीं सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द पॉटी हो जाए? तो इसके लिए आप बच्चे को वार्म बाथ दिला सकते हैं। गुनगुने पानी से उसको अच्छे से नहलाएंगे। जब भी आप उसको नहलाते हैं तो उसके आगे के फ्रंट पोर्शन पे थोड़ा सा उसको पानी ज़्यादा डाले, उसको सेके, तो उसके एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और पॉटी करने में वो हेल्प करेंगे। आप जैसे ही बेबी को नहलाते हैं आप उसके पेट पे घड़ी की दिशा में आपको मसाज करना है, सर्कुलर मोशन में। अब मैंने मसाज के लिए एक वीडियो डिटेल में बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखती हूँ, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो पूरा देख लीजिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव मसाज टेक्निक्स है। तो सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा में आपको मसाज करना है। और बेबी को जैसे साइकिलिंग करते हैं वैसे, जैसे साइकिलिंग करते वक्त जैसे मूवमेंट्स होते हैं पैरों के, वैसे आपको बेबी को साइकिलिंग करवाना है। तो बेबी इसके वजह से जो भी गैस हो गया है बेबी को या फिर अटक गया है तो वो निकलने में हेल्प होगी। तीसरा है कि बेबी 4 महीने का हो जाता है तो उसको पानी आप पिला सकते हैं। लेकिन जब आप पानी पिलाना स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले एक बार आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। तो उसके बाद जितना बेबी हाइड्रेटेड रहेगा उतना ही उसको पॉटी ठीक से करने में हेल्प मिलेगी। तो 4 महीने का बेबी हो जाता है तो 1/4 से 1/2 कप तक गुनगुना पानी या फिर फ्रूट जूस आप बेबी को जैसे ही वो सुबह उठता है तो चम्मच और कटोरी से उसको थोड़ा थोड़ा देते रहिए फ्रीक्वेंटली, और दिन भर में भी थोड़ा थोड़ा देते रहिए। लेकिन ये चीज़ करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। माँ का जो भी खान पान है उसका भी बहुत इफेक्ट रहता है बेबी के बॉवेल मूवमेंट पे। तो जो फास्ट फूड होते हैं, जो मैदे वाली चीज़ें होती है जिसमें कुछ फाइबर्स नहीं होते हैं, वो माँ को नहीं खाना चाहिए। इससे बच्चे के हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है। और जैसे कि आपने सुना होगा, हींग का भी पेस्ट आप बेबी के बेली बटन के आजू बाजू लगाएंगे तो भी ये अच्छी रेमेडी है कि गैस निकल, हींग में लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होते हैं नेचुरली, तो इससे गैस निकलने में और पॉटी होने में मदद होगी। और माँ को भी अजवाइन होती है और सौंफ होती है, वो इक्वल प्रोपोर्शन में चबा के बेबी के बेली बटन में और उसको उसके मुंह में उसको ब्लो करना है, उसका हवा जो आता है वो। और ऐसे फाइबर्स वाली ज़्यादा चीज़ें खानी है और अपने आप को इनफ हाइड्रेटेड रखना है
तो ये भी बच्चे के हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा जो करेंगे तो आपके बच्चे को 1 सेकंड में पॉटी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि अपने घर में रुई रहती है तो वो कॉटन लेके उसका कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसके आगे का से थोड़ा सा पॉइंट होना चाहिए उसको। तो ये आप लेके थोड़ा सा जो बाथिंग सोप रहता है, जो आपका नहाने का साबुन है, उसमें उसके उसका उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका थोड़ा झाग बनाना है, साबुन का झाग बनाना है आपको। और उसमें ये डुबो के बेबी का जो एनल एरिया रहता है पिछला, वहाँ पे आपको ये 1 मिनट के लिए ऐसे अंदर डाल के होल्ड करना है, पकड़ना है। और उसके बाद 1 मिनट के बाद, मतलब सपोज ये पिछला हिस्सा है तो 1 मिनट के लिए ऐसे पकड़ के आपको निकाल लेना है। तो ये करने से, मैंने ये बहुत बार देखा है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और साबुन में जो सर्फेक्टेंट होता है उसकी वजह से उसके एनल एरिया के जो मसल्स है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं और बेबी पॉटी कर देता है। अब आप बोलेंगे कि ये चीज़ कितना सेफ़ है 6 महीने के से छोटे बच्चों में अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इधर कहीं भी ये साबुन का जो पानी है वो बच्चे के इंटरनल एरिया में नहीं जा रहा। आप कुछ भी बेबी को खिला नहीं रहे हैं, वो बेबी के एक्सटर्नल एरिया पे आप अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको एक बहुत ज़्यादा देर भी वो नहीं रखना है, 1 मिनट तक ही वो अप्लाई करना है। तो ये आप करके देखिए, आपको ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और अपने खान पान का भी अच्छे से ध्यान रखिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक कर देना। एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू, धन्यवाद।